गाइज YouTube वीडियो में जितना जरूरी इंट्रो लगाना होता है उससे कहीं ज्यादा सब्सक्राइब बेल एनिमेशंस लगाना होता है, क्योंकि वही हमारे व्यूवर्स को रिमाइंड कराता है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो गाइज आज मैं आपको आपके चैनल के लिए प्रोफेशनल सा सब्सक्राइब बेल एनिमेशंस बनाना सिखाऊंगा। हे गाइज दिस इज सोनू एंड यू आर वॉचिंग T4 चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। वेल, अपने चैनल का सब्सक्राइब बेल एनिमेशंस बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल पे काइनमास्टर का ये एप्लीकेशन ओपन करना है। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे बिना वाटरमार्क वाले काइनमास्टर का आपको लिंक मिल जाएगा। सो सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है, देन ओपन कर लेना है। ओपन करने के साथ ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहां पे आपको टॉप पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। जिसे आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, यहां से आपको एस्पेक्ट रेशियो जो है 16:9 सेलेक्ट करना है, देन आपको यहां नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये आपकी डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। यहां से हमें एक सब्सक्राइब बेल एनिमेशन टेम्पलेट ऐड करना है। जो टेम्पलेट मैं ऐड कर रहा हूं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर जिस तरह से मैं ऐड कर रहा हूं आपको भी ऐड कर लेना है। सो यहां से आपको अपनी गैलरी से इस टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है, देन आपको यहां टॉप राइट कॉर्नर में क्रॉस पे क्लिक कर देना है। सो गाइज ये टेम्पलेट है जिसके ऊपर हमें अपने चैनल का डिटेल ऐड करके सब्सक्राइब बेल एनिमेशन बनाना है। सो गाइस इसके लिए सिंपली आपको यहाँ इसे टाइमलाइन में सेलेक्ट करना है, देन आपको इस प्ले हेड को फ्रंट में लाना है। इसके बाद आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है, देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया पे क्लिक करेंगे ये आपकी डिवाइस की गैलरी में ले जाएगा। सो यहाँ से आपको अपने चैनल का लोगो सेलेक्ट कर लेना है। सो यहाँ से लोगो सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने लोगो को कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है। इसके बाद हमें इस प्ले हेड को बीचों बीच यहाँ पे लाना है जब तक कि ये व्हाइट वाला बैनर विजिबल ना हो जाए। इसके बाद हमें इस लोगो को और थोड़ा सा छोटा करना है और ड्रैग करके यहाँ स्टार्टिंग में आपको प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ से लोगो सेलेक्ट करने के बाद हमें अपने लोगो को कुछ इस तरह से छोटा कर लेना है। इसके बाद हमें इस प्ले हेड को बीचों बीच यहाँ पे लाना है जब तक कि ये व्हाइट वाला बैनर विजिबल ना हो जाए। इसके बाद हमें इस लोगो को और थोड़ा सा छोटा करना है और ड्रैग करके यहाँ स्टार्टिंग में आपको प्लेस कर देना है कुछ इस तरह से। लोगो प्लेस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन में जो हमारा लोगो है वो मेन टेम्पलेट से छोटा है। सो यहाँ से इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके इसके बराबर कर देना है। इसके बाद हमें अपने लोगो के अंदर कुछ एनिमेशन ऐड करने हैं। सो एनिमेशन ऐड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ इन एनिमेशन का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में, इस पर क्लिक करना है। देन आपको नीचे यहाँ पे स्लाइड अप का एनिमेशन मिलेगा, इसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से इसकी टाइमिंग को 1 ही रहने देना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमें एक और एनिमेशन ऐड करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको फिर से यहाँ लोगो को सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ आउट एनिमेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस बार स्लाइड डाउन का एनिमेशन सेलेक्ट करना है, टाइमिंग 1 ही रहने देना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ से गाइज जो हमारा सब्सक्राइब बेल एनिमेशन है इसके अंदर जो लोगो ऐड किया वो भी स्लाइड अप होगा स्लाइड डाउन होगा हमारे एनिमेशन के साथ। इसके बाद गाइज यहाँ पे हमें अपने चैनल का नेम ऐड करना है। सो नेम ऐड करने के लिए सिंपली आपको फिर से इस प्ले हेड को स्टार्टिंग में लाना है, देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको अपने चैनल का नेम ऐड कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने चैनल का नेम यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज हमें इसके फॉन्ट को चेंज करना है जो हमने अभी नेम ऐड किया। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ डबल ए वाले आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको रोबोट ब्लैक करके एक फॉन्ट मिलेगा, बाय डिफॉल्ट ये आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में ही मिल जाएगा, अलग से डाउनलोड नहीं करना है। सो यहाँ पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमारे फॉन्ट चेंज हो जाने के बाद हमें अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहाँ इस व्हाइट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसे रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने प्ले हेड को कुछ इस तरह से ड्रैग करके बीचों बीच लाना है ताकि यहाँ पे हमारा जो ये व्हाइट कलर का पट्टी है वो आ जाए। अब हमें अपने नेम को कुछ इस तरह से ड्रैग करके इसके ऊपर लाना है और इसको कुछ इस तरह से छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे प्लेस कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमलाइन में जो हमने नेम ऐड किया ये भी छोटा है, तो इसको एक्सटेंड करके एंड तक इस तरह से कर लेना है। इसके बाद हमें अपने नेम के अंदर कुछ इफेक्ट ऐड करने हैं, जैसे कि यहाँ राइट साइड में आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको आउटलाइन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे यहाँ पे आपके टेक्स्ट के आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा ब्लैक कलर का, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही डार्क है तो यहाँ से आप वेट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, अराउंड 3-4 कर लेना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइज फिर से आपको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, देन आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ से आपको शैडो का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से इसे इनेबल कर लेना है। जैसे आप इनेबल करेंगे इसके पीछे थोड़ा सा शैडो क्रिएट हो जाएगा जो इसे 3D लुक देगा, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है।
अब गाइस जो हमने टेक्स्ट ऐड किया इसके अंदर भी हमें एनिमेशंस ऐड करना है, जैसे कि हमारा लोगो स्लाइड अप हो रहा है, स्लाइड डाउन हो रहा है मेन टेम्पलेट के एनिमेशंस के साथ, सो हमारे टेक्स्ट को भी स्लाइड अप और स्लाइड डाउन करना है। सो इसके लिए सिंपली आपको यहां टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, इन एनिमेशंस पे क्लिक करना है, सेम यहां से आपको स्लाइड अप वाले एनिमेशंस को इन एनिमेशन में सेलेक्ट करना है, देन आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है, फिर से हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और इस बार आउट एनिमेशंस पे क्लिक करना है, इस बार हमें स्लाइड डाउन वाले एनिमेशन को सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहां राइट पे क्लिक कर देना है। वेल गाइज यहाँ पे हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया और इसके अंदर एनिमेशंस भी ऐड हो गए। अब हमें यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे कि आप अपने चैनल का टैगलाइन या फिर आप अपना नेम ऐड कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड करना चाहता हूँ, तो इस टेक्स्ट के नीचे नेम ऐड करने के लिए सिंपली आपको इस प्ले हेड को स्टार्टिंग में लाना है, देन आपको यहाँ लेयर पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप जो भी दूसरा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना नेम ऐड कर लेता हूँ, देन आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इसके फॉन्ट को भी चेंज कर लेना है, सो यहाँ डबल ए वाले आइकन पे क्लिक करके आपको यहाँ से रोबोट ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ क्रॉस पे क्लिक कर देना है। इस बार जो हमने टेक्स्ट ऐड किया इसके कलर को यहाँ से क्लिक करके ब्लैक सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज हमारा टेक्स्ट ऐड हो गया है, यहाँ से हमें प्लेहेड को थोड़ा सा बीचों बीच लाना है और यहाँ पे हमें अपने नेम को ड्रैग करके अपने चैनल नेम के जस्ट नीचे प्लेस कर देना है। नेम को कुछ इस तरह से प्लेस करने के बाद यहाँ पे जो हमने नेम ऐड किया इसका भी लेंथ को यहाँ पे बराबर कर देना है एंड में, और इसके अंदर भी हमें इन एनिमेशंस और आउट एनिमेशंस ऐड करना है। सो यहाँ सबसे पहले इन एनिमेशंस पे क्लिक करना है, स्लाइड अप सेलेक्ट करना है, राइट पे क्लिक कर देना है, फिर से हमें अपने नेम को यहाँ सेलेक्ट करना है, इस बार हमें यहाँ पे आउट एनिमेशन सेलेक्ट करना है और इस बार यहाँ स्लाइड डाउन सेलेक्ट करके यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। सो गाइज इतना ही प्रोसेस है, यहाँ पे हमारा चैनल एनिमेशंस जो बन गया है सब्सक्राइबल एनिमेशन। तो अब मैं आपको इसे प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सब्सक्राइबल एनिमेशन रेडी हो चुका है। बहुत सारे ऐसे लोग सब्सक्राइबल एनिमेशन का जो ट्यूटोरियल दिखाते हैं उनके अंदर साउंड्स भी नहीं होता, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए साउंड्स ऐड किया है, जिससे कि ये और थोड़ा सा मतलब एक तरह से वीडियो के अंदर जब साउंड के साथ ये आता है तो ध्यान जाता है हमारे व्यूवर्स का डायरेक्ट एनिमेशन के ऊपर और वो एक तरह से अलर्ट हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है सब्सक्राइब वगैरह करते हैं, इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो भी मैं यहाँ पे टेम्पलेट यूज किया हूँ वो सब नॉन कॉपीराइटेड है, इसको आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं एनिमेशंस बनाने के लिए। और यहाँ पे जो ये ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है ये जब आप वीडियो एडिटिंग करेंगे तो ये हट जाएगा, आपके वीडियो के ऊपर एज ए लेयर के फॉर्म में सिर्फ ये एनिमेशंस आएगा, ये आप काइनमास्टर से ही कर सकते हैं क्रोमा की यूज करके। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सो गाइज यहाँ पे सब्सक्राइबल एनिमेशंस बन जाने के बाद सिंपली आपको इसे सेव कर लेना है, सेव करने के लिए सिंपली यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में इस एरो पे क्लिक करना है, देन आप यहाँ से जिस भी रेजोल्यूशन में चाहें सेव कर सकते हैं। यहां से मैं रेकमेंड करूंगा 1080p आपको कर लेना है और यहां से बिटरेट को हाई कर लेना है अच्छी क्वालिटी के लिए, देन आपको यहां सेव पे क्लिक करके सेव कर लेना है। सो गाइज होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।